People, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of Chemical Kinetics, chapter for class 12th, CBSE and NIST Chemistry. In this video, we will talk about integrated rate equations. So let's begin. First thing comes, why do we need an integrated rate equation? Rate equation, rate law, हम सब पढ़ चुके हैं, rate expression सब पढ़ लिया, लेकिन हमें integrated rate equation की ज़रूरत क्या है? Why do we need to integrate? The instantaneous rate of a reaction is not always determined conveniently by the graphical method, hence the rate law and the order of the reaction are also difficult to determine. Instantaneous rate of a reaction, जिसको निकालने का graphical method हमने पीछे पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो हमेशा convenient नहीं होता है, graph के through हमेशा accurate value नहीं आती है, क्योंकि जो instantaneous rate है वो accurate नहीं निकलता है, इस वजह से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट लॉ डिटरमाइन करना भी मुश्किल होता है. सो द रिलेशन बिटवीन द मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डेटा दैट इज द कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम एंड रेट कॉन्स्टेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. इसीलिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम वही वैल्यूज निकाल लेते हैं जो कि हम ग्राफ से निकालते हैं अदरवाइज. द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस. हर अलग ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन अलग अलग होती है. मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन अलग होगी, फर्स्ट की अलग, सेकंड की अलग, एंड सो ऑन. पहले पढ़ेंगे अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है. इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स. एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के. यानी कि रिएक्शन के कितने भी रिएक्टेंट्स हों, उनका कुछ भी कंसंट्रेशन हो, उस पर डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट. फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट कॉन्स्टेंट के इज गिवन बाय के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी. मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस प्रेजेंट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टी. पहले कंसंट्रेशन कितना था इनिशियली, बाद में कितना बचा और वो चेंज कितने टाइम में आया. आर नॉट कंसंट्रेशन माइनस आर कंसंट्रेशन अपॉन टी टाइम, दैट इज के. दैट्स हाउ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कैलकुलेटेड. एग्जांपल क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑन गोल्ड सरफेस. रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्लोरीन का रिएक्शन, एच आई का डिकम्पोजिशन ऑन द कोल्ड सरफेस एंड अमोनिया का डिकम्पोजिशन ऑन प्लैटिनम सरफेस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये सब रिएक्शंस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं. इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो कंस्टेंटली कम हो रहा है विद टाइम, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, स्लोप डाउनवर्ड्स, जहाँ पे के इज नेगेटिव ऑफ स्लोप, आर नॉट पर जो ग्राफ ड्रॉ किया वो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का. वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस तरह का दिखता है. नेक्स्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के इज गिवन बाय 2.303 अपॉन टी इनटू लॉग आर नॉट कंसंट्रेशन अपॉन आर कंसंट्रेशन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी इनटू लॉग आर नॉट कंसंट्रेशन अपॉन आर कंसंट्रेशन. लॉग ऑफ आर नॉट कंसंट्रेशन अपॉन आर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई 2.303 अपॉन टी. अगर दो इंटरवल ले लें टाइम के t1 t2 तो कैसे निकालेंगे, 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 लॉग ऑफ r1 कंसंट्रेशन अपॉन r2 कंसंट्रेशन. मतलब पहले जितना था और बाद में जितना हो गया इन टाइम t1 एंड t2. सपोज दैट टाइम t1 पे कंसंट्रेशन वॉज r1, टाइम t2 पे इट बिकम्स r2, देन log of concentration R1 upon R2 multiplied by 2.303 upon T2 minus T1
time period interval between t to t1. The exponential form of the equation is given as R concentration equals to R naught concentration e to the power of minus kt. इसी equation को exponential form में अगर लिखें तो लिख सकते हैं R concentration equals to R concentration naught initial वाला e to the power of minus kt, basically is constant and is time. Some examples of first order reactions. All natural and artificial decay of unstable nuclei. Nuclei का जो decay है, natural हो या artificial हो, all follow first order kinetics. Hydrogenation of ethane, decomposition of N2O5 and N2O are also example of first order reactions. इसका अगर हम graph plot कर लें, तो a plot between the R concentration and the time for the first order reaction, यहाँ पे reduce हो रहा है constantly, तो ln R naught versus time, यहाँ पे slope है k upon 2.303, इससे slope निकलेगा. और सेम अगर हम log of R naught upon R concentration versus time graph plot करेंगे तो it becomes a straight line going upward, जहाँ पर जो slope है that is again k upon 2.303, ये इसके graphs हो गए. Next, रेट कांस्टेंट वाया प्रेशर चेंज मेथड, यानी कि चेंज इन प्रेशर के मेथड से हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे. इन दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द चेंज इन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन. अभी तक हम कंसंट्रेशन के टर्म में निकाल रहे थे रेट कांस्टेंट, अब हम प्रेशर चेंज के अकॉर्डिंग रेट कैलकुलेट करेंगे. कैसे करते हैं, इसके लिए इक्वेशन गिवन है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ pi अपॉन 2pi माइनस pt. टोटल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर pt एंड pi, k इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ pi अपॉन ट्वाइस ऑफ pi माइनस pt. नेक्स्ट कम्स हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन? The time in which the concentration of a reactant is reduced exactly to half of its initial concentration. कितने time में किसी भी reactant का concentration initial concentration से आधा हो जाता है, उसको बोलते हैं half life. मतलब कोई भी reactant अगर initially suppose 10 grams था reaction में लिया, कितने time में वो reduce down to 5 gram, कितनी देर में 5 gram रह जाएगा, तो कितना time लगा उसको 10 gram से 5 gram में आने में, उसको बोलते हैं half life. For a zero order reaction, t half is given by R naught concentration upon 2k. For a first order reaction, it's given by 0.693 upon k. And for the nth order reaction, it's given by, it's proportional to 1 upon R naught concentration power n minus 1. First zero order reaction and first order reaction ke liye important hai formula given hai, t half equals to R naught upon 2k. For zero order and for first order, it's 0.693 upon k. That is independent of the concentration of the reactant. Next comes pseudo first order reaction. ये क्या होते? These reactions behave as first order reaction due to altered conditions. ऐसे reaction जो first order नहीं होते, लेकिन behave करते हैं as a first order reaction. Pseudo मतलब होता है नकली. Pseudo first order reaction मतलब ये कि not actually a first order reaction but behaves like a first order reaction. In such reactions, one of the reactants is present in excess. In reactions mein jo reactants hai unme se ek excess mein present hota hai. Due to excess quantity, the concentration of one of the reactants is reduced minutely and hence is assumed to be constant. Dono mein se ek reactant jo hota hai wo excess mein present hota hai. Jo excess mein present hai uske concentration mein bahut kam change aata hai, isliye use constant label kar lete hain. और जो अब दूसरा एक ही बचा जिसका जो कंसंट्रेशन है वो कंसिडरेबली चेंज हो रहा है, इसलिए द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिकम्स वन, बिकॉज इट द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स. एग्जांपल इन्वर्शन ऑफ केन शुगर. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अपने काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.